हाय, क्या कर रहे हैं आप सब? मेरा तो बहुत काम चल रहा है। ये देखिए, आयरन आयरन का काम था और आयरन हो चुका है। मेरे कपड़े, मेरे साड़ी भी कुछ साफ़ सफाई करके मैंने वो आयरन कर चुकी हूँ। मेरा ख़त्म हो चुका था। मैं ये वीडियो अगर पूरा करूँ तो वीडियो ही लंबा हो जाएगा, और ख़त्म होने वाला है। और थोड़ा सा मैं कुक करने वाली हूँ। आप जानते हैं ना, जो पम्पकिन का फूल होता है ना, उसको हम चावल को भिगो के उसको पेस्ट करके हम उसमें जीरा और थोड़ा सा हल्दी पाउडर और नमक और अदरक थोड़ा ऐड कीजिए, नहीं तो चलेगा। अगर भैंस में, प्योर भैंस में खाएंगे तो कुछ ज़रूरत नहीं है। जीरा लेकिन पड़ेगा और हरी मिर्च पड़ेगा, और उसको ग्राइंड कर देना और वो पेस्ट हो जाएगा। ज़्यादा उसका पानी पानी नहीं होना चाहिए उसमें। ये देखिए, ये मैं बनाई हूँ। अच्छे से धो के उसको बनाना है, फ्राई करना है एक तवा में। मेरा क्लिप एक मिस हो गया है। वो कैसे दिखता है? वो येलो येलो टाइप का ही दिखता है। और काम ख़त्म हो चुका है। फिर हम आपको एक अच्छी सी एक रेमेडी बताएंगे, ब्यूटी टिप्स। ये देखिए, इतनी ही बनाई थी। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। जय जगन्नाथ। कैसे हैं सब? आप सब ठीक हैं ना? हम भी एकदम बढ़िया हैं। और स्वागत करते हैं मेरी यूट्यूब चैनल उड़िया बहू पूनम में। आज मैं आपके लिए कुछ खाना बनाना नहीं है। आज मैं आपके साथ एक ब्यूटी रिलेटेड एक रेमेडी शेयर करने वाली हूँ, और वो है एंटी टैनिंग का, जो मैंने यूज किया और उसका रिजल्ट भी अच्छा मिला है। देखिए, अगर कुछ भी चीज़ें मतलब कि जल्दी उसका रिजल्ट नहीं मिलता, जो हमारे होम रेमेडी है उसका धीरे धीरे रिजल्ट मिलता है। आशा करती हूँ कि आप ये रेमेडी यूज़ करें। कुछ ज़्यादा कुछ रेमेडी में इंग्रेडिएंट नहीं है, जितनी भी है मैं आपको वो आपको शेयर करूँगी इस वीडियो दौरान। तो आपका जो टैनिंग होता है, जो फेस में और गले में और जो हाथों में हो जाता है, उसमें मदद मिलेगी। रेमेडी बताने से पहले मैं आपको कुछ थोड़ा सा बता रही हूँ कि आप लोग वीडियो देख रहे हैं, जो भी देख रहे हैं, प्लीज़ एक लाइक तो करके जाइए, क्योंकि अच्छा लगता है ना अगर लाइक आए। और कुछ कमेंट भी किया करिए। मुश्किल से वीडियो बनाते हैं और आपके लिए। हाँ, हम जानते हैं मेरा वीडियो जो भी है तो थोड़ी सी तो काम में आएगी ना। तो देखिए, अगर न्यू यूजर आप मुझे देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं आगे अपनी तरफ से मैं अच्छी अच्छी वीडियो लाने की कोशिश करूंगी। और आपको कुछ भी मेरे मेरे से मेरी वीडियो में आपको फ़ायदा तो होने वाला है। और जो भी यूजर्स यहाँ पे मैं जो भी देख रहे हैं, प्लीज़ आप देख रहे हैं लेकिन लाइक करना भूल जा रहे हैं, प्लीज़ लाइक करना, क्योंकि हमें अच्छा लगेगा। हम और भी मोटिवेट होंगे कि हाँ, मुझे कोई लाइक कर रहा है और अच्छे कमेंट कर रहे हैं, तो मैं आगे और भी ज़्यादा अच्छी अच्छी वीडियो ला पाऊँ आपके लिए। सो प्लीज़, मैं आपको रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप वीडियो पूरी हूँ। देखिए, सबके पास तो सब चीज़ें सबको सूट नहीं करता। जिसके पास ये काम करेगा तो बहुत अच्छी बात है, अगर किसी को काम नहीं करेगा तो इसलिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। लेकिन मुझे काम दिया और नॉर्मल स्किन में काम देता है, और अगर ऑयली स्किन है तो आई एम सॉरी, मुझे नहीं मालूम है ये काम करेगा या नहीं करेगा। तो चले, हम जो बोल रहे थे कि जो स्किन में जो टैनिंग हो जाता है वो गले में और हाथों में, तो मेरा हाथों में हो गया था टैनिंग और गले में भी हो गया था, क्योंकि हम बहुत बहुत मतलब कि 16 साल से हम धुएं में ही काम कर रहे हैं। तो मेरा इधर और इधर मतलब कि टैनिंग हो गया था, और वो धुआं लग लग के स्किन में वो टैनिंग हो गया था। तो मेरा थोड़ा थोड़ा काम आया, क्योंकि मैं रेगुलर लगाई। तो आशा करती हूँ आपको भी रेगुलर लगाने से कुछ फ़ायदा होगा, तो मैं इसलिए आपको शेयर कर रही हूँ। और ऑयली स्किन में ये सूट करेगा या नहीं करेगा मुझे मालूम नहीं है, फिर भी आप पैच टेस्ट करके ही आप ये लगा सकती हैं। इसमें ज़्यादा कुछ इंग्रेडिएंट नहीं है, जितनी भी है वो है विटामिन ई कैप्सूल, एलोवेरा जेल और नारियल का तेल। आप ऑलिव ऑयल भी ऐड कर सकते हैं अगर नारियल तेल नहीं है। और अगर आपके पास नारियल का तेल नहीं है तो ऑलिव ऑयल आप यूज़ कर सकते हैं, और उसमें एक
एक छोटा सा नींबू लगेगा। तो कैसे बनाते हैं ये क्रीम को, सीरम को, मैं आपको अभी दिखा के बता देती हूँ ये कैसे। देखिए ये नींबू है छोटा सा, और ये विटामिन ई कैप्सूल, और एलोवेरा जेल, और नारियल का तेल मैंने रखा है। वो आपको मैं करके दिखाऊंगी वो कैसे सीरम बनता है। ये देखिए मैं नारियल का तेल लिया है थोड़ा सा, और इसमें मैंने थोड़ा सा नींबू, ये देखिए थोड़ा सा, और ये रहा एलोवेरा जेल, इसमें डाल दिया, और इसको थोड़ा सा में अभी मैं विटामिन ई कैप्सूल, ये देखिए डाल दिया है। इसे मैं ऐसे घुमा लूँगी, ये मिक्स करना है ठीक से एक। और ये देखिए मेरा सीरम रेडी हो चुका है, इस टाइप का दिखेगा, और मैं ये लगा के दिखाती हूँ। ऐसे मसाज करना है, 2 टाइम लगाना है, सुबह और रात को। और ये देखिए मैंने पूरा फेस पे लगा लिया है, अच्छे से लगा लिया, क्योंकि मैं ये रेमेडी बनाने के लिए आपको मैं फेस पे किसी कुछ भी लगा ही नहीं थी, ये देखिए। और ये आपको सीरम भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये बहुत अच्छा काम करेगा। रात को अगर मसाज करके सोएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा स्किन में, और आप फ़र्क देखिएगा वन वीक में तो आपको फ़र्क। नेक्स्ट हम और एक बढ़िया वीडियो लेके आपके लिए आएंगे, और तब तक हमें माफ़ कीजिएगा अगर कोई भूल हुई होगी, और ये रेमेडी ज़रूर ट्राई करना, आई थिंक आपको बेनिफिट मिलेगा इसमें, बहुत अच्छी रेमेडी है, मैं यूज़ की हूँ। और नारियल का तेल तो सबको सूट करता है, अगर नारियल तेल आपको अच्छा नहीं लगता तो आप ऑलिव ऑयल उसमें यूज़ कर सकती हैं, वो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन इस तरह से लगाने से थोड़ा सा टैनिंग के लिए, मतलब टैनिंग कम, जो टैनिंग होता है ना वो कम हो जाता है, तो आप ये ट्राई कीजिए, और मेरी वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और स्वस्थ रहिए, अच्छे से रहिए, पूनम को याद रखिए। और मेरी नेक्स्ट वीडियो आने पर मुझे जल्दी जल्दी लाइक और कमेंट कर देना प्लीज़, क्योंकि मेरी वीडियो ज़्यादा अब नहीं बन पा रही। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट एक बढ़िया सा वीडियो में, और अपना ख्याल रखना, और अच्छे से रहिए, स्वस्थ रहिए, और मेरे चैनल को लाइक करना मत भूलेगा, शेयर करना मत भूलेगा। अगर आपको लगता है मेरी वीडियो के दौरान किसी को कुछ भी सीखने को मिलता है तो ज़रूर आप शेयर करना, और जुड़ के रहिए, ये तो मेरी बात ही स्टार्टिंग से है कि पूनम के साथ जुड़ के रहिए। और नेक्स्ट मिलेंगे और एक बढ़िया से वीडियो में, जो भी हो देखते हैं। फिर नेक्स्ट हम आएंगे कुछ डांस वीडियो लेके, जो क्लासिकल डांस का वीडियो जो होता है, मैं बोली थी आपको जो शेयर की करूँगी, तो जो भी मैंने सीखा था वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। तब तक के लिए पूनम को विदाई दीजिए, नमस्ते, और अच्छे से रहिए, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।